आज जब मैं अपने पहाड़ वापस आया, मैंने अपनी जिंदगी का सबसे सुकून का समय बिताया। याद है वो दिन जब हम फूल देई छम्मा देई करते लोगों के घर घर जाते और वो आग के चारों ओर कैसे घूम घूम के होली गाते। खो गए हैं वो दिन, खो रहे हैं वो त्योहार, जब से हमारे सर में शहरों का शोर हुआ है सवार। आज जब मैं अपने पहाड़ वापस आया, सुकून से बढ़कर और कुछ नहीं होता, ये मुझे अपने पहाड़ अल्मोड़ा ने सिखाया। सो गाइस, ये है मेरा अल्मोड़ा। हाय गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल फ्रॉम द माउंटेन्स। और आज मेरा तीसरा दिन है यहाँ पे, तो काफ़ी सारी चीज़ें हमने एक्सप्लोर कर ली है, काफ़ी जगह हम कल गए, आपने ऐसा कि वीडियो में देखा होगा। तो आज का प्लान ये है कि आज हम यहाँ से चेकआउट करेंगे और तो गाइस वहाँ से निकलने के बाद सुबह ब्रेकफास्ट करके अभी मैं जा रहा हूँ जलना, जो कि अल्मोड़ा के दूसरी तरफ पड़ता है। हम जहाँ कल रुके थे वो दूसरी तरफ था, ये लमगड़ा साइड पड़ता है। तो आज हम जाने वाले हैं सुकून होम स्टे, और बाकी डिटेलिंग मैं आपको सारी बताऊंगा कि होम स्टे के लिए कैसे बुक करना है और क्या क्या चीज़ें हैं एक्सप्लोर करने के लिए और यहाँ तक आप कैसे पहुँच सकते हैं, वो सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। सो वीडियो को देखते रहें, और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूले। अगर अच्छी लगी तो लाइक भी कर देना, अगर नए हो तो आप सब्सक्राइब भी कर देना यार। तो अभी अल्मोड़ा के हो तो यार कॉमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। अभी हम जा रहे हैं, मैंने गाड़ी साइड में लगाई है, यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है जलना, 12 किलोमीटर रह गया यहाँ से अभी, तो चलते हैं धीरे धीरे। तो गाइस मेन रोड से थोड़ा सा 1 किलोमीटर अंदर आके, हालांकि रोड थोड़ी सी ऑफ रोड है, ये होम स्टे आ जाता है। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पे कार पार्किंग की भी व्यवस्था है, आप आते हो तो आपकी कार आराम से पार्क हो सकती है। और रोड थोड़ी सी ऑफ रोडिंग है, लेकिन यहाँ आके टोटली वर्थ इट है। जो सुकून यहाँ पे देखने को मिल रहा है ना, होम स्टे का नाम सही रखा हुआ है, सुकून होम स्टे। चलो चलते हैं अंदर, देख के आते हैं कैसा है होम स्टे और क्या क्या नज़ारे देखने को मिलते हैं उसके सामने से। सो गाइस ये हैं हमारे प्रदीप भाई, तो इन्हीं का ये होम स्टे है। तो धानोला से इन्होंने हमको ज्वाइन कर लिया था, बेसिकली रहते वहीं हैं और यहाँ पे होम स्टे में इन्होंने कोई किसी को रखा हुआ है देख रेख करने के लिए। तो अगर कभी भी आप आना चाहते हो तो मैं इनका नंबर वगैरह डिटेल्स वगैरह डाल दूंगा। चलिए पहले देखते हैं कैसा है होम स्टे। और प्रदीप भाई धन्यवाद बहुत बहुत आपका बुलाने के लिए हमको। धन्यवाद सर आपका आने के लिए। हाँ तो चलिए दिखाइए होम स्टे कैसा है आपका। जैसा कि आपने देखा ना, एकदम अमेजिंग होम स्टे यार, सीरियसली मेरा तो दिल आ गया सीरियसली। क्या अमेजिंग व्यू है और क्या अमेजिंग कमरे बनाए हुए हैं और क्या लकड़ी का काम किया हुआ है, मज़ा आ गया, मतलब दिल खुश हो गया यहाँ के यार सीरियसली। कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताना। और अभी फिलहाल मैं पहुँच ही रहा हूँ, थोड़ा बहुत रेस्ट वेस्ट कर लेता हूँ, थोड़ा सेटलमेंट कर लेता हूँ, फिर थोड़ा एक्सप्लोर करना स्टार्ट करेंगे, देखते हैं आगे का प्रोग्राम क्या बनता है। फिलहाल जो कमरे है ना, मज़ा आ गया, यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा सीरियसली। बहुत बढ़िया काम किया हुआ यार। और यहाँ पर बाहर क्या नाम है इसका, जिमी जिमी, बेस्ट चीज़ है कि आप शाम को बैठ के यहाँ पे चाय वाय पीने के लिए पूरा खुला स्पेस दिया हुआ है। वाह वेरी नाइस यार, देखो पूरा पहाड़ दिख रहा है, शायद ये लमगड़ा होगा पूरा, ये पूरा लमगड़ा होगा मेरे अंदाज में। भाई साहब ये देखो ना कितना मस्त बनाया हुआ है। सबसे बेस्ट पार्ट तो ये है शाम को बैठने के लिए, एक नंबर, यहाँ से सीधे सामने से ये देखो नज़ारे देखते हुए। वाह मज़ा आ गया यार, थैंक यू भाई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूरज है सर। आप यहीं रहते हो? हाँ मैं अल्मोड़ा से ही हूँ, वैसे अभी तो प्रॉपर्टी में मैं ही हूँ यहाँ पे। अरे बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच सूरज भाई। थैंक यू सर। मतलब यहाँ सुबह अगर 5-6 बजे आए तो यहाँ से सनराइज़ पूरा दिखेगा? बिल्कुल सर, यहाँ पे आपको 6:30 बजे बहुत ब्यूटीफुल नज़ारा मिलेगा सुबह के सनराइज़ का सर। ओके मॉर्निंग टाइम पे।
चलो बढ़िया, धन्यवाद। सो गाइस थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद और थोड़ी सी मैंने बुक रीडिंग करी, काफ़ी अच्छा माहौल था, सामने पहाड़ दिख रहे थे, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। तो उसके बाद अभी लंच के लिए हम आ गए हैं। लंच में यहाँ पे काफ़ी अच्छा इन्होंने व्यवस्था करी, मुझे पर्सनली बड़ा पसंद आया। ये पत्थर की इन्होंने टेबल बनाई हुई है, पटाल बोलते हैं यहाँ पे पहाड़ी लैंग्वेज में, तो बिल्कुल एकदम नेचुरल वे में। और यहाँ पे खाने के लिए भी काफ़ी वैरायटीज़ अवेलेबल है, वेज नॉन वेज दोनों मिल जाते हैं ना। हाँ, चल लेते हैं। लंच करने के बाद फिर हम यहाँ पे थोड़ा गांव एक्सप्लोर करने के लिए निकलेंगे। थोड़ा सा आगे तक 1 किलोमीटर तक यहाँ पे एरिया है, थोड़ा धूप कम हो जाए ना फिर चलते हैं धीरे धीरे अपना गाँव देखेंगे, कैसा यहाँ पे लाइफ स्टाइल है, लोगों के घर कैसे हैं, सारी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे धीरे धीरे। तो वीडियो में बने रहें। सब खाने में क्या, ये क्या है भाई साहब? ये गढ़ेरी की सब्ज़ी। अच्छा, एक गढ़ेरी की सब्ज़ी। तो बेसिकली दोस्तों ये जो गढ़ेरी है ना, ये पहाड़ी डिश है, ये आपको बाहर नहीं मिलेगी, आपको सिर्फ पहाड़ों में मिलेगी। तो ये गढ़ेरी की सब्ज़ी है। और इसमें क्या है? ये चावल है। और ये क्या बना हुआ है? ये चिकन है। चिकन। अरे वाह। ये मटन है और ये आपका पीली दाल। दाल। अरे वाह, बहुत बढ़िया। राजमा। और ये सलाद भी बढ़िया काट के दिया हुआ है। मतलब मज़ा आ गया, मतलब फीलिंग ही आ रहा है होम स्टे में। बिल्कुल ऐसा वाला फील आ रहा है कि कहीं रिजॉर्ट में बैठे हुए हैं। काफ़ी अच्छा है, मतलब और पर्सनली भाई साहब हमारे साथ बैठ के खा रहे हैं, इससे अच्छा और क्या हो सकता है, मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है। सो गाइस लंच वगैरह हो गया है, अभी मैं सोच रहा हूँ थोड़ा गाँव वगैरह एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताई प्रदीप जी ने, जो ये प्रॉपर्टी है, जो इनका घर है, ये पुराने ज़माने का है, बहुत 1984 के ज़माने का घर है ये, उसी टाइम का जब अंग्रेजों के ज़माने का रहा होगा ये, तब का बना हुआ है, थोड़ा सा रेनोवेट करके इसे थोड़ा और इंटरेस्टिंग बना दिया है। तो और साथ ही साथ में एक अच्छी चीज़ यहाँ पर ये है कि अगर आप यहाँ आते हो ना, तो आपको यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्म भी मिलेगा। तो जो भी यहाँ पे गेस्ट होते हैं उनके लिए सारा खाना, जो भी सब्जी वगैरह होती है, वो उसी फार्म में उगाई जाती है। चलिए देख के आते हैं यहाँ का ऑर्गेनिक फार्म कैसा है। सो गाइस साथ ही साथ में एक और चीज़ यहाँ पे पता लगी, जो ये देख रहे हो आप, ये चमकदार चीज़, ये सोलर कुकर है। सो बेसिकली इसमें 30 मिनट में चावल बन जाते हैं। सो गाइस वो है नीचे इनका होम स्टे, और इधर पर इन्होंने ऑर्गेनिक फार्म बनाया हुआ है, जहाँ पर हर प्रकार की सब्ज़ी वगैरह उगाते हैं गेस्ट के लिए। और वो आपने जो सोलर कुकर देखा, बिल्कुल गैस की बचत बहुत बढ़िया होती है उसमें, जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने कभी तो कुछ लगाया नहीं है, तो शायद अभी कोई लगाने की तैयारी में है। कुछ कुछ वहाँ पे थोड़ी थोड़ी मूली लगी है, पालक जैसे कुछ लगे हुए हैं, और तो यहीं पर ये सारी चीज़ें उगाते हैं, टमाटर वगैरह, खाद वगैरह भी डाल रखी है। अभी कुछ कुछ उगाया है उधर साइड, इधर अभी कुछ नहीं उगाया है। तो ये अच्छी चीज़ है, मतलब अगर आप आते हो तो आपको ऑर्गेनिक खाना खाने को मिल रहा है, और आप अपने आँखों से देख रहे हो कि कैसे उग रहा है, और यही चीज़ें आप खा रहे हो, तो एक अलग तरह का एक्सपीरियंस ही मुझे लगा। तो अभी चलते हैं, थोड़ा गाँव घूम के आते हैं। और वैसे तो कुछ खास ऐसा व्यू पॉइंट नहीं है, बट गाँव एक्सप्लोर करते हैं धीरे धीरे, अपना वॉक करके आते हैं, क्योंकि लंच के बाद एक वॉक भी ज़रूरी है, और मौसम भी अच्छा हो गया, क्लाउडी मौसम हो गया है। सो गाइस गांव एक्सप्लोर करते करते मुझे रोहित भाई मिले हैं। भाई 10th में पढ़ते हैं, और अभी एग्ज़ाम की तैयारी चल रही है, क्यों? हाँ। और अभी स्कूल से, स्कूल कितना दूर है आपके यहाँ से? स्कूल घर से तो है 7-8 किलोमीटर। 7-8 किलोमीटर पैदल जाते हो? साइकिल ले लो यार। साइकिल है यहाँ, चढ़ाई से। हाँ ये यार थोड़ी समस्या है यार, मानना पड़ेगा, लेकिन 7-8 किलोमीटर भाई पैदल जाता है। गुड यार, तो ये भी अच्छी बात है, यहाँ पे लोगों का थोड़ा इंटरेस्ट है कि सारे लोग पढ़ाई करते हैं, ऐसा नहीं कि पढ़ाई स्कूल अवॉइड करें। और भाई हमारी BSF की तैयारी करने वाला है, ऑल दी बेस्ट मेरे भाई को। सो गाइस ये देखो बच्चे बुरांस के फूल तोड़ रहे हैं, कल यहाँ पे एक पर्व होता है फूल देई छमा देई का, तो सारे लोग फूल लेके घरों में जाते हैं, तो आज तैयारियाँ चल रही है। मैं वही बोला था कि रोहित भाई को कि यार मुझे भी बुला लेना, साथ में चलेंगे फूल देई करने के लिए। चुप रे। अरे नंदिनो। ये गोना गांव को जा रहा है वाला रास्ता, और ये जा रहा है मंदिर को। सो बाय बाय गाइस, थैंक यू सो मच यार, कल आ जाना सारे लोग, टाइम होगा तो आ जाना। हाँ, सुकून होम स्टे में हूँ मैं। मंदिर के जस्ट बैक साइड में अगर आप आओगे तो यहाँ से अमेजिंग व्यू दिख रहा है यार, मज़ा आ गया, मतलब वर्थ हो गया यहाँ तक आना तो भाई। सो गाइस कैसा लगा आपको व्यू, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप लोग इस मंदिर में पहले आए हो, या इस प्लेस पे पहले आए हो, या फिर स्पेशल अल्मोड़ा वाले तो ज़रूर इस मंदिर पर आए होंगे, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना यार। तो ये मंदिर जो बेसिकली है, मुझे ऐसा लग रहा है ये गाँव वालों का मंदिर है, जब पूजा पाठ वगैरह होती होगी, क्योंकि पीछे चूल्हा भी है और यहाँ पे हवन का भी बनाया हुआ है, तो जब हवन वगैरह होता होगा तो यहाँ भंडारा होता होगा, और पीछे चूल्हा है तो वहाँ पे भंडारे का खाना प्रसाद वगैरह बनाया जाता होगा। तो काफ़ी अच्छा है, मतलब ये पहाड़ की खास बात है कि जब भी यहाँ पूजा पाठ होता है ना, सारे लोग इकट्ठा होकर मिल बांट के सारे काम करते हैं, और सब लोग खुशी हंसी खुशी सारे काम एक साथ करके भगवान को भोग लगाते हैं, उसके बाद सारा गाँव मिलकर खाना खाता है। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा यहाँ पर, अगर आप आते हो तो यहाँ इस मंदिर पर ज़रूर विज़िट कीजिएगा, काफ़ी अच्छा व्यू पॉइंट भी है पीछे,
और अभी हम वापस जा रहे हैं नीचे गाँव की तरफ, देखते हैं और क्या क्या है यहाँ पे देखने के लायक। सो गाइस मंदिर से नीचे आते वक्त हमें यहीं पे ना भावेश भाई मिले हैं जो कि अभी कॉलेज कर रहे हैं, बीए सेकंड ईयर में है। तो मुझे यहाँ पे इनका ये घर बड़ा अच्छा लगा। बेसिकली ये घर नहीं, गोट है। तो मैंने इनसे पूछा यार कि फ़ोटो खींच लूँ करके एक छत में, तो उन्होंने हेल्प भी करी और कह मैं खींच देता हूँ। तो जब भी आप किसी गाँव में आते हो या यहाँ आते हो ना, तो किसी की प्रॉपर्टी में फ़ोटो खींचने से पहले एक बार पूछ लेना चाहिए, क्यों सही रहता है ना। तो इसलिए हमने पूछ लिया, अभी एक बार फ़ोटो खींचते हैं बढ़िया ऊपर से और इंस्टाग्राम में आप देख लेना फ़ोटो वगैरह। और मज़ा मतलब मज़ा आ रहा है, गांव बड़ा अच्छा है, लोग भी काफ़ी हेल्पफुल है। तो आप अगर इधर आ रहे हो ना तो भावेश भाई से ज़रूर मिलना। सो गाइस ये हैं सतीश भाई हमारे, इन्होंने हमारी मदद करी वीडियो बनाने में। और सतीश भाई कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? सेवन्थ में पढ़ते हो, वेरी गुड। सो गाइस छत पे फोटोग्राफी करने के बाद और मंदिर घूमने के बाद अभी मैं वापस जा रहा हूँ अपने होम स्टे। तो काफ़ी अच्छे लोग हैं यहाँ पे, काफ़ी मिलनसार हैं, हेल्पफुल हैं, और मैंने कुछ दोस्त भी बनाए अपने नए, जैसा कि आपने देखा होगा। यहाँ तक आने के लिए आप लोगों को कैसे आना है ये भी मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ। अगर हल्द्वानी तक तो आपको पता है कि ट्रेन से या बस से आप आ सकते हो। हल्द्वानी से यहाँ आने के लिए डायरेक्ट टैक्सीज चलती हैं लमगड़ा के लिए, जो आप बोल सकते हो कि लमगड़ा जाना है, या फिर शेयर टैक्सीज भी चलती हैं। प्लस मैंने यहाँ पे जो होम स्टे है उनके ओनर से पूछा था अगर किसी को आना है तो कैसे आ सकते हैं, तो उन्होंने मुझे बताया था कि अगर कोई बंदा आना चाहता है उनके होम स्टे में तो वो उनको फ़ोन कर दे, तो ये लोगों की जो है ना इनका सर्किल है पूरा, जो भी शेयर टैक्सी वाले होते हैं ड्राइवर, उनसे ये लोग कॉन्टैक्ट करके बता देते हैं एक बंदा आना चाह रहा है, तो वो आपको यहाँ तक पूरा छोड़ देते हैं। और यहाँ आप उनको फ़ोन कर लोगे तो कॉन्टैक्ट हो जाएगा, तो ये सबसे बेस्ट तरीका है आपका। टिकट भी बहुत कम लगेगा हल्द्वानी से यहाँ तक का, टैक्सी आप ले लो कोई भी शेयर टैक्सी, और यहाँ आप गांव अच्छे से एक्सप्लोर कर भी पाओगे। सो गाइस फिलहाल मैं अपने होम स्टे पहुँच गया हूँ, तो अभी फिलहाल कुछ चाय वाय पीते हैं और उसके बाद थोड़ी मैं वीडियो भी एडिट कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को जल्दी से जल्दी वीडियो देखने को मिल जाए। और आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और कल की वीडियो थोड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज कल हम जाएंगे डोलमा कह रहा हूँ यार क्या नाम था, एक तो था बानर देवी और डोल आश्रम तो कल हम जाएंगे डोल आश्रम और बानर देवी, तो इसलिए स्टे ट्यून और जल्दी मिलता हूँ कल। ये हमारे साथ गोपाल जी जुड़े हुए हैं, तो ये बेसिकली डोल आश्रम में ही काम करते हैं, वहाँ पे सुपरवाइज़र हैं। सो गाइस अभी मैं ना व्लॉग करते हुए आगे को जा रहा था, तो पर से एक भाई साहब चिल्लाए कि भाई साहब क्या कर रहे हो, वीडियो बना रहे हो, क्या कर रहे हो, रिपोर्टिंग कर रहे हो, क्या कर रहे हो। तो बोलने लगे कि यार ये रोड के बारे में आप ज़रूर बोलना कि यहाँ की रोड थोड़ी ख़राब है, यहाँ पे काम नहीं हो रहा है, तो इससे गाँव वाले काफ़ी परेशान हैं, बल्कि रोते हैं गाँव वाले, ऐसे ऐसे बातें बोल रहे हैं। तो मुझे लगा कि ये हालाँकि अब पता नहीं सही जगह पहुँचे ना पहुँचे मैसेज, कि ये रोड जो है जलना गाँव की, जो इधर वाली साइड लमगड़ा साइड पड़ती है, वो काफ़ी ख़राब है, मुझे भी ऐसा लगा। तो यहाँ पे गांव वालों को काफ़ी दिक्कतें होती है उसकी वजह से, तो आई होप अगर कोई गवर्नमेंट का अधिकारी जो इसके लिए उत्तरदायी है वो अगर इस वीडियो को देख रहा है तो प्लीज़ कृपया करके इस रोड पे थोड़ा सा काम करें ताकि इन लोगों को इतनी प्रॉब्लम ना हो। और अगर आप लोग इन गाँव वालों की मदद करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो उस बंदे तक पहुँच सके जो इस रोड का काम करवाएगा। तो ये मुझे लगा कि बताना चाहिए तो बता दिया, बाकी मैं तो कुछ नहीं कर सकता ना यार, मैं इससे ज़्यादा क्या कर सकता हूँ। मेरा इतना था कि उन्होंने बोला, बहुत रिक्वेस्ट करी उन्होंने, कि उन्हें लगा कि मैं सर्वे करने वाला हूँ या फिर कोई न्यूज़ टीवी का रिपोर्टर हूँ, तो इसलिए उन्होंने ऐसा बोला।